वैसे आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि Realme X2 Pro डिवाइस में एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है F.12 का। हाँ गाइस, अगर आप भी हैं Realme X2 Pro डिवाइस के यूजर, तो गाइस आप अपने डिवाइस के सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके ये अपडेट को जरूर चेक करें। एंड गाइस, आपको F.12 का अपडेट देखने के लिए मिल गया है, तो गाइस आप अपने डिवाइस को F.12 में अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि गाइस F.12 में बहुत सारे न्यू चेंजेस देखने के लिए मिला है। तो गाइस क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिला है ये तो खैर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं कि गाइस जिनका Realme X2 Pro डिवाइस अभी भी Android 10 में अपडेटेड है, तो गाइस उन्हें Android 11 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो एंड गाइस इसी के साथ में हम बात करेंगे गाइस कि F.12 का अपडेट का फाइल साइज आपको कितना देखने के लिए मिला है। तो गाइस अगर आप भी हैं Realme X2 Pro डिवाइस के यूजर्स, अगर आप ये वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि Realme X2 Pro डिवाइस में F.12 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस आप अपने डिवाइस के सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके ये अपडेट को जरूर चेक करें। एंड गाइस आपको अपडेट देखने के लिए मिल गया, तो गाइस आप F.12 में अपने Realme X2 Pro डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं। तो गाइस अब बात आता है कि इसका फाइल साइज आपको कितना देखने के लिए मिला है। तो गाइस इस अपडेट का फाइल साइज आपको यहां पे अप्रॉक्स 710 MB देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस यहां पे फाइल साइज कुछ ज्यादा ही लंबा देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन गाइस ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। ये अपडेट में F.12 के अपडेट में गाइस यहां पे बहुत सारा चेंजेस किया गया। तो गाइस यहां पे क्या-क्या चेंजेस किया गया अब वो देख लेते हैं। तो गाइस यहां पे सबसे पहला जो चेंजेस है वो गाइस आपको सिक्योरिटी में देखने के लिए मिल जाता है। गाइस आपको यहां पे जुलाई 2021 का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाता है। गाइस यहां पे जो नेक्स्ट चेंजेस देखने के लिए मिला है वो गाइस यहां पे गेम में देखने के लिए मिला है। गाइस यहां पे गेम में बहुत सारा चेंजेस देखने के लिए मिला है, वो है गाइस यहां पे फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक लैगिंग इशू ऑफ बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया इन सम सीन्स। यानी कि गाइस यहां पे जब आप बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को खेलते थे तो गाइस यहां पे कभी-कभी लैग करता था, तो गाइस यहां पे इसे फिक्स कर दिया गया। गाइस ये काफी अच्छी बात है। अब बात जो गाइस नेक्स्ट चेंजेस देखने के लिए मिला वो गाइस मिला है फिक्स द इशू दैट द बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया डज नॉट सपोर्ट 90 FPS व्हाइल द 90 FPS स्विच इज ऑन। यानी कि गाइस यहां पे बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में जो 90 FPS में नहीं सपोर्ट करता था, गाइस इस अपडेट में यहां पे इसे भी फिक्स कर दिया गया है, अब 90 FPS में सपोर्ट करेगा। तो गाइस ये काफी अच्छी बात है। गाइस यहां पे गेम्स में बहुत ही बड़ा चेंजेस देखने के लिए मिला है। उसके बाद जो गाइस नेक्स्ट चेंजेस देखने के लिए मिला वो गाइस सिस्टम में चेंजेस देखने के लिए मिला, वो गाइस फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ हीटिंग व्हेन यूजिंग नॉर्मल चार्जिंग व्हाइल द स्क्रीन इज ऑन। यानी कि गाइस यहां पे जो हीटिंग प्रॉब्लम था उसे भी यहां पे फिक्स कर दिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट चेंजेस देखने के लिए मिला वो गाइस सिस्टम में ही देखने के लिए मिला, वो है गाइस फिक्स द इशू ऑफ फोन रीस्टार्ट एट ए वेरी लो प्रोबेबिलिटी इन स्टैंडी मोड। तो गाइस इसे भी यहां पे फिक्स कर दिया गया। उसके बाद जो गाइस नेक्स्ट चेंजेस देखने के लिए मिला वो है गाइस फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैमरा प्रीव्यू फ्रेज। यानी कि गाइस कैमरा में भी यहां पे कुछ चेंजेस देखने के लिए मिला। तो गाइस ये कुछ सारे चेंजेस है जो कि Realme X2 Pro डिवाइस में जो F.12 का अपडेट देखने के लिए मिला है। तो गाइस F.12 के अपडेट में ये कुछ सारे चेंजेस देखने के लिए मिला। गाइस यहां पे फाइल साइज इसी वजह से ज्यादा थोड़ा लंबा देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि गाइस F.12 के अपडेट में बहुत सारा चेंजेस देखने के लिए मिला। तो गाइस अब बात आता है जिन Realme X2 Pro डिवाइस के यूजर्स को अभी तक Android 11 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला, एंड गाइस वो अभी तक Android 10 में अपडेटेड ही है अपने डिवाइस को किए हुए, तो गाइस उनको Android 11 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस हो सकता है कि आपको F.12 का अपडेट देखने के लिए मिलेगा, तो गाइस आपको इसी अपडेट के जरिए आपका जो डिवाइस है वो Android 11 में अपडेट हो जाएगा। तो गाइस आप यहां पे थोड़ा सा एक्टिव रहना, सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके आप अपडेट को चेक करते रहना, क्योंकि गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि जब भी कोई अपडेट देखने के लिए मिलता है तो गाइस वो पहली बार थोड़े यूजर्स को देखने के लिए मिलता है, उसके बाद फिर दूसरी बार यहाँ पे 2 से 3 दिन बाद अपडेट को रिलीज किया जाता है, उसके बाद फिर कुछ यूजर्स को देखने के लिए मिलता है। तो गाइस कुछ इसी तरह से अपडेट देखने के लिए मिलता है। तो गाइस आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव रहना, सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके ये अपडेट को जरूर चेक कर लेना। एंड गाइस जो Realme X2 Pro डिवाइस के यूजर्स है, जो कि आप अगर आपने Realme X2 Pro डिवाइस को F.12 के अपडेट में अपडेट कर लिया है, तो गाइस आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि गाइस ये जो कुछ सारे चेंजेस किया गया है वो आपके डिवाइस में दिखा है या फिर नहीं दिखा, ये सब बग फिक्स हुआ है या
फिर नहीं हुआ गाइस आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस फिलहाल में अभी के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।